वादों का वायदा करता हूँ, जो आपके ढाई लाख पे मुझे शिकायत मिली है कि तेरह के लोग वहाँ से आते हैं, आपसे पैसे लिखाते हैं, आपके पैसा क्या उठाते हैं, आपका भाई अपना भाई 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 को हमने बनाओ आदाब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाफिया अंजुम। जलालाबाद के पूर्व चेयरमैन याकूब राइन ने अपनी पुत्र वधू रुमाना के लिए वोट की अपील करने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन कर लोगों को चौंका दिया। जनसभा में उमड़ी भीड़ से लोगों ने कहा कि याकूब राइन का चुनाव एक तरफा हो चुका है। सभा में याकूब राइन ने बताया कि हिंदू मुस्लिम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, सबका काम किया जाएगा। इस मौके पर हाजी इदरीस कुरैशी व किसान नेता शाबू मलिक ने भी जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि जलालाबाद के पूर्व चेयरमैन याकूब राइन के कार्यकाल के विकास कार्यों को याद करके सभी समाज के लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। अंसारी समाज, शेख समाज, कुरैशी समाज, पठान व कई छोटे बड़े समाज जुड़ रहे हैं। सभी समाज के लोगों को लेकर कई दिनों से याकूब राइन जनसंपर्क कर रहे हैं। अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को उपलब्धि बताकर अपनी पुत्रवधू रुमाना के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। नगर के हर मोहल्ले से प्यार और समर्थन मिल रहा है। जनसभा में उन्होंने अपने विकास कार्य बताए। उन्होंने अपने पीएम योजना में 84 आवास बनवाए थे जिन पर कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन अब पैसा लिया जा रहा है, मैं वो सब बंद कर दूंगा। उन्होंने आगे पार्क व हॉस्पिटल बनाने का वादा भी किया। उन्होंने आगामी 4 मई को एक एक वोट स्कूटर के निशान पर डालकर जलालाबाद से पुत्र वधू को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। सभा के अंत में हाजी इदरीस कुरैशी व किसान नेता शाबू मलिक ने भी जनता से स्कूटर के निशान पर डालकर जलालाबाद से पुत्र वधू को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ नसीम अहमद। साबित कर दिया है, यही है कर रही पीछे एमपी एमएलए की सभा में भी नहीं होती। जो हज याकूब साहब के इलेक्शन में आपने कितनी भीड़ दिखा दी, ये भी साफ हो गया है। हाजी याकूब साहब जो है अब रिकॉर्डेड जीत पर पहुंच चुके हैं, एक तरफा दर्शन हो चुका है। अब आप सबसे ही ये अपील है कि इनके निशान पर स्कूटर पर मोहर लगाकर इनको भारी मतों से जिताए, और साथ साथ हमारे मेंबर ज्यादातर जो है काले निशान पर है। मेंबर सब इनको जो भी भारी मतों से जिताना है। एक मिनट रुक जाओ, खालिद की मेरे बेटे की बीवी रुमाना, मैं उसको चुनाव लड़ रहा हूँ। वो है अच्छा, वो चुनाव लड़ रही है आपके साथ। लगभग जो जलालाबाद की जनता, कितनी जनता आपके साथ है? मुझे तो सारे लग रहे भैया। जी आपकी जनता से क्या अपील है, आप क्या चाहते हो? यहाँ जलालाबाद वासी हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जलालाबाद की जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों के कहने पर मैं चुनाव लड़ा हूँ, आप मुझे समर्थन देकर स्कूटर में लगाकर रुमाना परवीन हमारे बेटी है जो अध्यक्ष की उम्मीदवार है उसका अभी जिताना। अगर आप लोग यहाँ पर चेयरमैन बन जाते हैं, सीट जीत जाती है, तो यहाँ पर आपका हॉस्पिटल वगैरह जलालाबाद में नहीं है, गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले जमीन, लेकिन मैंने 2012 में वो जमीन अवेलेबल कर रहे हैं, काम कर जमीन निकाली है, जमीन निकल गई। इंशाल्लाह मैं यहाँ जलालाबाद वाले को जो दौलत हॉस्पिटल की है और एक इंटर कॉलेज की, मेरा प्रयास ये लगा कि मैं पहले प्रधानमंत्री जनता के लिए हॉस्पिटल। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।